भैया अपडेट आ गया देखो प्लीज। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभम और आप लोग सब देख रहे हैं टर्सन म्यूजिकल बैंड। तो दोस्तों, जैसे कि आपने थंबनेल पर देखा कीबोर्ड का अपडेट वर्जन आया है, वो भी कंपनी की तरफ से, वो भी अपना मोबाइल से करना है, उसके लिए कंप्यूटर का कोई जरूरत भी नहीं है, तो इजीली हो जाएगा। आपको पूरा वीडियो फॉलो अप करना है और अगर आप मेरे चैनल पर नया होना तो प्लीज शुभम भाई के लिए एक लाइक और सब्सक्राइब तो करना है, तभी आपको नेक्स्ट वीडियो आपको मिल जाएगा। और याद रखिए दोस्तों, इस वीडियो को आप पूरा स्टेप बाय स्टेप ही करना है, मैं पूरा स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा मोबाइल से कैसे करना है, वो भी हो जाएगा 100% गारंटी का साथ। जैसे कि पहले वर्जन आपको दिखाई दे रहा है 1.01 है, तो कंपनी के तरफ से जो आया है 1.02 है। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप लीगली करते हैं अपडेट। तो इस वीडियो का जो क्रेडिट है ना, वो कंपनी को मिलेगा क्योंकि कंपनी की तरफ से आया है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को देखते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपका मोबाइल में गूगल जो होता है ना, गूगल पर जाना है और यहाँ पर आपको सर्च करना है रूल एंड एक्सप्रेशन ड्राइवर, जो मैंने पहले कर दिया। तो उसका बाद उसको क्या करना है, सर्च देना है, ठीक है। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर पहले वाला जो आया इसमें जाना है, ये कंपनी का है, ठीक है। तो इसका अंदर जाने के बाद आपको ये देखो ऐसे दिखाई देगा अपडेटेड ड्राइवर्स, और नीचे जैसे एक्सपीरियंस पहले वाला जो है ना, ये देखो वर्जन लिखा हुआ है, तो उसको क्लिक करना है। एक्सपीरियंस सिस्टम प्रोग्राम वर्जन जो है ना 1.02 है, तो उसको क्या करना है, उसको क्लिक करना है, ठीक है। तो मैं क्लिक कर देता हूँ, आपको भी सेम टू सेम प्रोसेस करना है। तो करने के बाद ऐसा कुछ आ जाएगा। तो एक्चुअली में तो असल में ये आपको पढ़ना है पहले सब कुछ, पहले उसमें पूरा प्रोसेस लिखा हुआ है। अगर नहीं है तो नहीं पढ़ना चाहते तो नहीं मत पढ़िए, कोई बात नहीं। तो नीचे जाके आई एग्री जो होता है ना, इसमें राइट देना है, तभी ये डाउनलोड ऑप्शन काम करेगा। उसके बाद डाउनलोड फाइल दे देना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा, तो ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो डाउनलोड होने के बाद या मेरा मोबाइल पर मिलेगा, मैं देखता हूँ आपको कैसे, मैं दिखाता हूँ आपको। तो उसके बाद दोस्तों ऐसे डाउनलोड का ऑप्शन है, ये देखिए डाउनलोड लिखा हुआ है, तो इसमें आ जाएगा। इसमें नहीं आया आपका मोबाइल पर, ये सिस्टम नहीं है, तो ऊपर में देखिए इसके अंदर जाओ और डाउनलोड को निकालो। तो मैं यहाँ पर निकालता हूँ, तो यहाँ पर डाउनलोड के अंदर मेरा ये देखो पहला वाला ये आ गया। इसी को मैं कॉपी करके पेन ड्राइव के अंदर लेके जाऊँगा, ये जिप फाइल है लेकिन मैं एक्स्ट्रा करूँगा उसको, रुको मैं दिखाता हूँ, इस पेन ड्राइव में लेके दिखाऊंगा। तो पहले ही जब पेन ड्राइव को कनेक्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है, सेटिंग में जाना पड़ता है। तो सेटिंग में OTG लिखिए, OTG का ऑप्शन आएगा, उसको ऑन कर दीजिए। और बहुत सारा मोबाइल ऐसे जो OTG मतलब पेन ड्राइव को लगाने के बाद ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता है। तो चलिए मैंने ऑन कर दिया। तो अभी देखिए ये OTG शो हो गया, यहाँ पर शो होने लग जाएगा, ये देखिए नीचे OTG आ जाएगा। तो OTG का अंदर ये जो OTG का अंदर वो वाला फाइल को मुझे कॉपी करना है, वो जो डाउनलोड में है। तो ये डाउनलोड से ये जिप फाइल है, पहले कॉपी कर देता हूँ, उसके बाद एक्स्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पर सिंपली यहाँ पर कॉपी कर दिया। तो फिर से देखिए मैं बैक करके उसके अंदर OTG के अंदर मतलब पेन ड्राइव के अंदर जाके इसमें मुझे नीचे जो कॉपी किया फाइल को क्लिक करना है, ये जिप फाइल है तो एक्स्ट्रैक्ट हेयर एक्स्ट्रैक्ट करना है मुझे। तो एक्स्ट्रैक्ट टू OTG मतलब जो पेन ड्राइव के अंदर ही करूँगा। तो डायरेक्ट मैं उसमें एक्स्ट्रैक्ट कर दिया। तो आप उसके बाद देखिए उसका नाम का फोल्डर बन गया पेन ड्राइव के अंदर, अलग फोल्डर, ठीक है ना। तो अभी इस फोल्डर के अंदर जाना है और एक बिन फाइल मिलेगा, इसको पेन ड्राइव के अंदर कॉपी या मूव कर दीजिए। तो मैं कॉपी कर देता हूँ उसको, सिंपली कॉपी कर दिए। हाँ तो दोस्तों, मैंने पेन ड्राइव को कीबोर्ड का साथ कनेक्ट कर लिया। तो हम अभी चेक करेंगे जो मेरा कीबोर्ड का पहली वर्जन कौन सा है, ठीक है ना। तो मैं मेनू बटन पर जाता हूँ, राइट कर्सर से लास्ट में जाऊँगा तो वर्जन इन्फो, तो उसमें एंटर करूँगा तो मुझे दिखाई देगा मेरा पहली वर्जन 1.01 है। तो अभी आया अपडेट का बारी, अपडेट का बाद देखते सच में क्या अपडेट होता है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आप ध्यान से देखिए। तो अभी हमने कीबोर्ड को ऑफ कर दिया और एंटर बटन का साथ पावर बटन को पकड़ के रखा, तो जब लाइट जल जाएगा एंटर बटन को नहीं छोड़ना, एंटर बटन स्टे रहेगा। तो कुछ देर बाद आपको दिखाई देगा ऐसा स्टार्ट अपडेट, देखा ना, बहुत ही मज़ा लग रहा है अभी मुझे। तो अभी देखना है कि अपडेट हो जाएगा क्या या नहीं होगा, तो बस वेट कीजिए। और कोई गलती कर दिया ना तभी ये ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो अभी देखते हैं अपडेट ख़त्म होते तक आप पूरा देखिए वीडियो को। और एक चीज़, जो बिन फाइल है ना उसको सही तरीक़ा से पेन ड्राइव में पेस्ट कीजिए या कॉपी कीजिए, कुछ भी कीजिए, मतलब सही तरीक़ा से करना है। तो ये देखिए फिनिश्ड हो गया। तो अभी हम देखते हैं क्या जो हमारा पिछले टोन था ये सब कुछ है या नहीं। तो टर्न ऑफ कर देते, पावर ऑफ करके फिर से एक बार ऑन करके अभी आप देखेंगे, क्योंकि मेरा टोन चला जाएगा तो बहुत नुकसान हो जाएगा ना, तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। तो मैं अभी तो यह दिखा रहा है फिलहाल, तो नंबर वन बैंक में मेरा फ्लूइड था, हाँ फ्लूइड तो रह गया, बाकी स्ट्रिंग, हाँ भाई बहुत कुछ लगा कि ये है सब कुछ है। अभी चलिए वर्जन का जो है, अभी वर्जन को चेक करता हूँ मेनू बटन से, लास्ट में जो वर्जन है उसमें क्या है अपडेट हुआ कि, ये देखो भैया 1.02 हो गया,
ठीक है। तो भाई दोस्तों फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पर।